15 फरवरी, पहला पाठ, संत यकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 12 से 18। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खतरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वे अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसी अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। ये प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, धन्य है वे मनुष्य जिसे तू सुधारता है। प्रभु, धन्य है वे मनुष्य जिसे तू सुधारता और अपनी संहिता की शिक्षा देता है, वे संकट के समय नहीं घबराता। अनुवाक्य। प्रभु, धन्य है वे मनुष्य जिसे तू सुधारता है। प्रभु, अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वे अपनी विरासत को नहीं त्यागता। धर्मी को न्याय दिलाया जाएगा और सभी निष्कपट लोग उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु, धन्य है वे मनुष्य जिसे तू सुधारता है। प्रभु, जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। अनुवाक्य। प्रभु, धन्य है वे मनुष्य जिसे तू सुधारता है। संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7।
इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।